我哋睇啦那个。啊，煮汤咪排烂系，煮汤排烂系。प्रधान है आप एक बार देखिए आप भी दादा बढ़िया अपना डिसीजन ले आदमी ने खड़ा रहना आदमी ना जैसे कि हम को वहां से आपको कोई समस्या नहीं है मतलब आप ये कह रही कि जब आपकी मतलब बड़ी बहन आ जाएंगी तब आपको बॉडी चाहिए एक एप्लीकेशन हम लिख दे रहे हैं ठीक है उस पर एक साइन कर दीजिए हम आपको बॉडी अभी वहाँ रखवा देते हैं कल सुबह कितने बजे चाहिए आपको सुबह अगर उन लोग 11 बजे तक मांगे 11 बजे तक इधर मान लीजिए ठीक है तो क्या मतलब यहाँ से घर से किसी को जाना पड़ेगा वहाँ पे हाँ बिल्कुल एक कोई व्यक्ति चला जाए हम उसको नहीं है ना मेरी बात वहाँ पे कागज पे साइन करना है हम लोग चिंतित है इसीलिए चिंतित है अब जो हुआ वो रजिस्टर के लिए उससे तो वापस नहीं ला सकते लेकिन जितना पुलिस का सुविधा आपको हो जाएगा आपको आप निश्चित रहिए चार बच्चे हैं तीन लड़की और एक एक लड़का सब पढ़ते वही है सब मुंबई में सरकारी सरकारी में जाते रहते हैं घर काम करती बिल्डिंग में झाड़ू पोछा करते हैं वो पति इनके यहाँ पे अकेले नहीं 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 मतलब आए कई सारे लॉकडाउन में है क्या है इनका भाड़े से घर और उस कारण में घर काम करती है बैठो आप बैठो बैठो आप लोग बैठो 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 खड़े खड़े वो हो जाएगा कि बैठो आराम से बैठो एक लड़का है अच्छा छोटा सा लड़का कोई कमाता है इनके पति दो भाई हैं एक भाई तो महाशिवरात्रि के अगले साल खत्म हो गया कोई कमाने वाला नहीं उनके लिए एक छोटा बच्चा है करीबन 12 साल का इधर है ये देखो बड़े भाई का बच्चा वो बड़े भाई का लड़का है और इनका लड़का तो इतना छोटा सा 6 साल का है कहाँ गया बच्चा आयुष कहाँ है आयुष को बुलाओ एक साथ जाने कितनी सारी चाहिए बिना बिना प्रशासन की मिली भगत के नहीं सकते इतना बड़ा काम है कर रहे बताइए आदमी की जो जान चली जाए उसके परिवार का क्या चुकी है उसकी जान चली जाए बच्चे चाचा बच्चे मेरा ममता गुप्ता मैं इसकी बड़ी बहन मुंबई से लेके मई आई मुंबई में थी घर काम करते हैं हाँ घर खाता काम करते हैं बिल्डिंग में झाड़ू पोछा करता कपड़ा वही काम करती थी मुंबई में मैं बड़ी बहन हूँ कल गाड़ी पकड़ी ट्रेन है कमाई से आई है गाड़ी से मेरा घर धन तुलसी खाली नीचे में फसावट जा
यार फंसा हुआ यार, ये है ये बगल जीरो बात पे बिना बात ना उस भट्ठे पे काम कर रहा था मेरा भाई, और वहीं पे शराब बिक रही थी, और वहीं से शराब उसने भी पिया, जो बेचने वाली भी उसने भी पिया। वो पहले मर गई लेकिन ये बाद में मरे। सिरसा घाट ले गए और वहीं से इनकी तबीयत गड़बड़ हो गई। हम दवा सुई हर एक चीज़ किए लेकिन मेरा भाई नहीं बच पाया। ले गए। अच्छा, ये जो दारू का जो सप्लाई होता था, वो औरत जो थी वो दारू कहाँ से लाती थी? अब ये हम नहीं बता सकते सर। मौत हुई है, इसका पूरा मामला क्या है? जी, जैसा कि आप कह रहे हैं, निश्चित रूप से जांच का विषय है। मैं पुलिस और प्रशासन से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसकी अच्छे से जाँच हो। और इस सैदाबाद क्षेत्र में करीब 9 से 10 लोगों की मौत हुई है, और जैसा कि लोगों का कहना है, ग्रामीणों का कहना है कि ये मौतें शराब से हुई हैं। अब पुलिस तहकीकात करे, जांच करे कि ये मौतें शराब से हुई या अन्य कारणों से हुई। लेकिन जैसा कि ये आपके बगल में राज बहादुर जी हैं, इनके लड़के की मौत हुई, इनका कहना है कि लोग यहाँ पे अवैध रूप से शराब बेचते थे, जिससे इनका लड़का जो है वो शराब पिया और उसकी मौत हुई। और बीदा में 3 मौतें हुई हैं, एक और उसके बाद यहाँ सराय मंसूर में 2 मौतें हुई, जहाँ पे आप अभी खड़े हैं, सग्राम पट्टी में 2 मौतें हुई, दुसौती में 1 मौत हुई, और ढोकरी में सुनने में आ रहा है कि 1 मौतें हुई, और जमशेदपुर में भी 1 मौत हुई। तो ये निश्चित रूप से एक साथ इतनी घटनाएं हो रही हैं जो समाज को कलंकित कर रही हैं, और कहीं ना कहीं हमारा समाज जो है वो गलत दिशा में जा रहा है। ये पुलिस और प्रशासन की लापरवाही है। पुलिस प्रशासन को इस पे नज़र रखनी चाहिए कि इतनी घटनाएं एक साथ कैसे हो रही हैं। मैं श्रवण कुमार यादव और निश्चित रूप से ये पुलिस प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि ये इसकी जांच कराएं। ये जो दारू का सप्लाई हो रहा था, दारू कहाँ से आ रही थी, आपको कुछ नहीं? नहीं, इसके संबंध में मुझे नहीं जानकारी है। ये पुलिस और प्रशासन करे कि ये मौतें दारू से हुई या कैसे हुई, ये जांच का विषय है। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में खुलासा होगा इसका कि ये मौतें कैसी हुई। अभी 3-4 जो बॉडी हैं वो पोस्टमार्टम के लिए गई हुई थी, उनकी रिपोर्ट आनी है, तो ये पुलिस स्पष्ट करेगी कि मौत कैसे हुई। आपका नाम? श्रवण कुमार यादव। रुकता है, मेरे चाचा जो बगल के थे परिवार के, उनको जहरीली शराब पीने से उनकी मौत हो चुकी है। हालांकि गाँव में 3 केस हो चुका है, 3 जन की मौत हो चुकी है, 4 जन को एडमिट किया गया था इलाहाबाद में, और ये सब जहरीली शराब से हुआ है। प्रशासन का कहना है कि ये लोग बीमारी से मरे हैं, प्रशासन गलत अफवाहें फैला रही है, पब्लिक को डरवा रही है कि ये बीमारी से मरे, सब बोला जा रहा है जहर से मरे, जहरीली शराब से मरे। अच्छा, ये बताइए, जो जहरीली शराब की सप्लाई हो रही है वो कहाँ से हो रही है, कहाँ से लिए थे? सर, गाँव से ही लिए थे, गाँव में बगल में नंची नाम का है। अच्छा जी, टोड बगल में उनका घर है जी। और यहाँ पे और कहीं कहाँ सप्लाई होता है? सर वही एक है, वो कहाँ पर नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता यहाँ जी। ठीक, नाम क्या है? अरविंद गुप्ता। जैसे कल मौत हुई है, वो आपके क्या लगते थे और पूरा मामला क्या है, वो दारू कहाँ से लिए थे? वो सर ऐसा है, नंकी नाम है, पासी है, उसके खीना से दारू पी के आए हैं और पहुँचे हैं घरे, 10 मिनट के बाद उनकी पत्नी चालू हो गया, उसके जहरीला रहे दारू क्या हो जैसे मौत भाई। अच्छा, मरने वाला आपका क्या था? मरने वाला उनका नाम है। अच्छा, आपके क्या लगते हैं? हमारा जीजा लगते हैं। अच्छा, हम लोग सर यहाँ भी बराबर आते हैं, बराबर जानते हैं। आपका नाम? हमारा नाम सावित्री। जो हमारे ग्राम सभा में ये अवैध शराब पीने से 3 लोगों की मौत हुई है, उसके पीछे सारा जो अवैध कारोबार शराब कर रहे हैं उन लोगों का हाथ है। यहीं बगल में एक नंची पत्नी खन्ना, उसका पुत्र दीपक, सब मिलके सब धंधा करते हैं, जो लोगों को
आराम से दारू मिल जाती है, रात दिन जब चाहें तब दारू मिल जाती है, लेके पीते हैं, वही सब खोपिया का दारू ला के बेचते हैं जो जहरीली शराब थी, उसके पीने से लोगों की मौत हुई है और प्रशासन उसको छिपाने में लगा है कि ये मौत अत्यधिक शराब पीने से हुई, एक का बीमारी दिखा रहे हैं जो कि सरासर गलत है, उन लोगों की मौत जहरीली शराब से हुई है। जी, आपका नाम? पवन मिश्रा, प्रधान फतेह जिला फैजाबाद प्रयागराज। लगभग दर्जन भर मौतें हो चुकी हैं जहरीली शराब के बिकने से, जो अवैध ढंग से ये शराब का धंधा यहाँ पे चल रहा है और प्रशासन की कहीं ना कहीं उसमें मिलीभगत है, क्योंकि अगर मिलीभगत नहीं होती तो इतने धड़ल्ले से शराब नहीं बिकती और जहरीली शराब तो कतई नहीं बिकती। तो प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है। मुझे लगता है कि जितने भी मृतक के परिवार हैं उनके परिवार को सरकार तत्काल मुआवजा दे और साथ ही साथ कठोर से कठोर कार्रवाई जहरीली शराब बेचने वालों पर की जाए, ताकि आगे भविष्य में ऐसी घटनाएँ ना हो और जो परिवार यहाँ पे जो परिवार है, जो छोटे बच्चे रह गए हैं, आखिर उसकी जिम्मेदारी कौन निभाएगा और उसकी जिम्मेदारी उठाएगा कौन? सरकार को ये निश्चित करना पड़ेगा। मैम, आपका नाम? निधि यादव, समाजवादी पार्टी। जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हुई थी, उस पूरे मामले पर किस तरह की कार्रवाई की गई और क्या अभी तक की क्या जानकारी आई है? ये देखिए, ये 4 दिनों में 9 मौतें हुई, 4 लोगों की जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई और उनकी मौत हुई तो उन लोगों का तो पोस्टमार्टम पुलिस के द्वारा कराया गया, 6 लोगों ने अपने से अपने बिना सूचना के अपना दाह संस्कार कर दिया है, उनके बारे में भी डीएम और एसएसपी की टीम मौके पे गई है, उसके पहले एसपी आ रहे हैं और एसएसपी भी मौके पे गए थे, वो लोग सारे तथ्यों को गाँव के लोगों से जो 3 गाँव में घटनाएँ हुई हैं उसको वेरीफाई कर रहे हैं, अभियोग पंजीकृत हुआ है, उसमें से एक आदमी जो नामजद है उसकी गिरफ्तारी भी हुई है, 5 लोग हिरासत में लिए गए हैं। ये पूरा का पूरा क्या नेटवर्क है, कौन लोग इसमें शामिल हैं, कहाँ से या अवैध शराब आ रही है या मिलावट हो रही है शराब में, इस पर हमारी क्राइम टीम भी लगी है और एक्साइज डिपार्टमेंट, पुलिस और प्रशासन के लोग मिल करके पूरी की पूरी घटना का बहुत ही जिम्मेदारी से और गहनता से परीक्षण कर रहे हैं और कोई भी जो ये लोग ऐसा कर रहे हैं, जो अपराधी हैं, उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई और भी सख्त कार्रवाई होगी, जिससे कि भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना हो। और हम लोग संवेदनशील हैं, होली का त्यौहार भी है, पंचायत इलेक्शंस भी हैं और इसलिए हम लोग अपने पूरे रेंज में और पूरे जनपदों में बीच स्तर पर ये हम लोग कार्रवाई करें कि विगत 10 वर्षों में जो लोग भी इस तरह के मामले में प्रकाश में आए या नए लोग हैं उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इसमें जिम्मेदारी तय की जाए कि अगर लापरवाही हमारे स्तर पर माने विभागीय स्तर पर कहीं कोई लापरवाही तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। सर, फूल नहीं, 4 मौतें जिनमें पोस्टमार्टम हुआ उसमें विसरा प्रिजर्व हुआ है, मौतों का कारण यही है, डॉक्टर्स तो ये कहते हैं क्योंकि कितनी देर आपकी बॉडी में लीकर रहा है क्योंकि अब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में, तो 4 तो हम लोगों को संदिग्ध ये बातें प्रकाश में आ रही हैं कि 4 मौतें हुई, इसलिए उसको हम कोरिलेट कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने अपनी बॉडीज को पहले से ही जिनका दाह संस्कार कर दिया है उसके बारे में अब जो हियर से एविडेंसेज हैं या जो फर्स्ट आई विटनेसेज हैं उनके घर वालों से परिवार वालों से बात करके हमारी टीम परीक्षण में लगी है, जो वस्तुस्थिति होगी वो आपको बताया जाए। गिरफ्तारी हुई है और 5 लोग और पूछताछ की जा रही है, पूरे प्रकरण में जो भी नेटवर्क है, जो भी जहाँ से ये आई है, जहाँ पे ये बेची जा रही है, कहाँ से मिलावट हो रही है, कौन कौन लोग इसमें शामिल है, इसका पूरा नेटवर्क हम लोग गश्त करेंगे और बहुत ही सख्त कार्रवाई होगी, जिससे कि एक लेसन भी जाए कि ये जीवन को उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। सर, कहीं कोई लापरवाही भी तो सामने आ रही नहीं? गंगा पार के जिस बात कर रहे हैं, 3 महीने पहले की बात है, 4 महीने की, उस पर कार्रवाई हुई थी, उनकी दुकान सीज हुई, उनमें गैंगस्टर की कार्रवाई हुई, उनकी सारी प्रॉपर्टी सीज हुई, वो सस्पेंड किया गया वो लाइसेंस, तो इस तरह से जो भी लोग चोरी छुपे ये काम कर रहे हैं, समाज विरोधी कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई, उनकी संपत्ति सीज करने की कार्रवाई।